मौजूदा समय में हो रही बेमौसम बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल को नुकसान के बावजूद कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। उत्पादन और पिछला बकाया स्टॉक ज्यादा होने की वजह से सोयाबीन की कीमतों में गिरावट जारी रहने की आशंका है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में हाजिर बाजार में सोयाबीन का भाव लुढ़ककर 4500 रुपए प्रति क्विंटल के निचले स्तर तक भी पहुंच सकता है। जानकारों के मुताबिक सोयाबीन उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेमौसम बारिश के चलते सोयाबीन की करीब 0.34 मिलियन मीट्रिक टन फसल बर्बाद होने का अनुमान है। अनुमान के अनुसार देश में करीब 1539 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कीमत कम होने के बाद त्योहारी सीजन में खाने के तेल का क्या होगा। दरअसल जानकारों के अनुसार देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से 1,92,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। प्रदेश में इंदौर, सागर, मंदसौर, नीमच और रायसेन जिलों के कुछ इलाकों में सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना है। मध्य प्रदेश की कुल फसल का करीब 4% जो कि 1,92,000 मीट्रिक टन के आसपास बनता है नष्ट हो चुका है। उधर इंदौर में किशनगंज, नीमच में कवाई, रायसेन में शाहबाद और सकटपुर, मंदसौर में नाहरगढ़ और सागर में बारा और करबाना में सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बेमौसम बारिश के चलते 1,50,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। राजस्थान में मुख्य रूप से हड़ौती क्षेत्र, बूंदी, बारा, झालावाड़ा और कोटा में सोयाबीन की बुआई की जाती है। राजस्थान में इन चार जिलों की सोयाबीन उत्पादन में 75% हिस्सेदारी है। शुरुआती आकलन के मुताबिक इन इलाकों में 1,50,000 मीट्रिक टन या 675 करोड़ रुपए की सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। और कोटा जिले में सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करीब 20-25% तक हुआ है। जून 2022 के बाद से सोयाबीन में जारी गिरावट के रूप में फिलहाल कोई भी बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। माना जा रहा है कि करीब 0.34 मिलियन मीट्रिक टन फसल बर्बाद होने के बावजूद फसल वर्ष 2022-23 में सोयाबीन का उत्पादन 12.14 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के 11.95 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन से 1.6% ज्यादा है। वहीं फसल वर्ष 2022-23 के लिए अपने प्रारंभिक उत्पादन अनुमान में सोयाबीन का उत्पादन 12.48 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान जारी किया था, जिसमें मौजूदा हाल को देखते हुए कटौती कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।